आज की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, राजीव गांधी के नाम पर नहीं, अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर होंगे खेल रत्न अवार्ड। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी घोषणा की है, अब से खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाएगा। जी हां, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है और कहा है, मुझे पूरे भारत के नागरिकों से खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने के लिए कई अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। उनकी भावना का सम्मान करते हुए खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाएगा। खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलने की सूचना खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर दी है। जी हां, अब तक की सबसे बड़ी खबर है, खेल रत्न अवार्ड का नाम बदलने की सूचना खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि मेजर ध्यानचंद भारत के उन अग्रणी खिलाड़ियों में से थे जिन्होंने भारत के लिए सम्मान और गौरव लाया। अब यह सही समय हमारे देश के सर्वोच्च खेल सम्मान का नाम उन्हीं के नाम पर रखा जाएगा। इसके बाद एक और ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मुझे पूरे भारत के नागरिकों से खेल रत्न पुरस्कार का नाम मेजर ध्यानचंद के नाम पर रखने के लिए कई अनुरोध प्राप्त हो रहे हैं। उनकी भावना का सम्मान करते हुए खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कहा जाएगा। आपको बता दें, मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी के पूर्व कोच और मेजर ध्यानचंद के पुत्र अशोक ध्यानचंद ने सबसे पहले इस बात की मांग की थी कि खेल रत्न पुरस्कार मेजर ध्यानचंद के नाम पर दिए जाएं। उसके बाद तमाम खेल प्रेमियों ने इसके लिए अभियान चलाया। पूरी खबर के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे वरिष्ठ संवाददाता सत्यम शर्मा। सत्यम, क्या खबर है आपके पास? देखिए शेफाली जी, मैं बता दूं कि ये टोक्यो में जो ओलंपिक खेल चल रहे हैं उसमें भारत का शानदार प्रदर्शन रहा, चाहे महिला खेल की महिला हॉकी टीम की बात की जाए या पुरुष हॉकी की टीम की बात की जाए। लगभग 41 साल बाद 4 दशक बीत गए जिसके बाद भारत को ये हॉकी में पुरस्कार मिला है, ये पदक मिला है, कांस्य पदक मिला है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है कि जो भारत में भारत को हॉकी में कांस्य पदक मिला है। महिला टीम एक अंक या दो अंक से चूक गई, लेकिन इसके लिए महिला टीम ने बहुत प्रयास किए थे। उसके लिए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और बड़े मंत्रियों ने और जनता ने भी, देश की जनता ने भी उनको धन्यवाद किया है। खेल रत्न की बात करें तो मेजर ध्यानचंद के पुत्र अशोक ध्यानचंद जो मध्य प्रदेश अकादमी में कोच थे, उन्होंने सबसे पहले इसकी मांग की थी। हालांकि सोशल मीडिया में भी इसकी मांगें उठती रही हैं कि राजीव गांधी जो कि सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है उसको मेजर ध्यानचंद के नाम पर किया जाए, क्योंकि मेजर ध्यानचंद ने करीब हॉकी में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। हॉकी में भारत ने अब तक करीब 11 मेडल जीते हैं जिसमें से 8 गोल्ड मेडल जीते गए हैं। तो इसको ध्यान में रखते हुए, देश की जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा है कि जनता की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए हम राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के नाम पर जाना जाएगा। शेफाली जी, जी अब तक की सबसे बड़ी खबर है। आप दर्शकों को एक बार मैं फिर बता दूं कि राजीव गांधी के नाम पर नहीं, अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर होंगे खेल रत्न अवार्ड।